खोराबार थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक रामाश्रय मौर्य की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपितों के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद शनिवार को 82 की कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि एक महीने के अंदर आरोपी सरेंडर नहीं करते हैं तो उनके घर की कुर्की की जाती है। ऐसी स्थिति में ब्लॉक प्रमुख के पिता जवाहिर ने सरेंडर किया है। आपको बता दें 82 की कार्रवाई के आदेश के बीच ब्लॉक प्रमुख के पिता जवाहिर और जिला पंचायत सदस्य पंकज शाही की तरफ से सरेंडर का आवेदन भी कोर्ट में पड़ा था। अभी तक आरोपितों को सरेंडर कराने का हवाला देकर उनके अधिवक्ता 82 की कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। आपको बता दें खोराबार थाना क्षेत्र के मेडिकल स्टोर संचालक रामाश्रय मौर्य की 19 जनवरी 2021 की रात को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वह दुकान बंद कर बाइक से घर के लिए निकले थे। दुकान से कुछ दूरी पर बल्ली चौराहे के पास बदमाशों ने रामाश्रय को गोलियों से भून दिया था। रामाश्रय के भाई रामनयन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने खोराबार ब्लॉक प्रमुख शैलेश यादव की भाभी व सपा नेता दुर्गेश यादव की पत्नी व पारिजात एसोसिएट की प्रोपराइटर सीमा यादव, शैलेश के पिता जवाहिर यादव, जिला पंचायत सदस्य पंकज शाही, प्रॉपर्टी डीलर संजय शुक्ल समेत 13 नामजद पर हत्या व साजिश रचने का केस दर्ज किया था। इस घटना में आरोपी संजय शुक्ल, पंकज सिंह तथा हत्या की सुपारी देने वाले अभिषेक मिश्र, गोरखनाथ निवासी एक शूटर गोलू उर्फ अशरफ समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया था। जांच में पता चला कि हत्या के लिए 3 लाख की सुपारी दी गई थी। बाद में पुलिस ने एक नामजद आरोपित केशव सिंह को गिरफ्तार किया। उधर दूसरे शूटर मनीष साहनी पर 25,000 का इनाम घोषित किया, जिसके बाद मनीष व एक नामजद आरोपित कुशीनगर निवासी अभय दुबे ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में साजिशकर्ता सीमा यादव, जवाहिर व पंकज शाही समेत अन्य फरार चल रहे थे। वहीं इस मामले में स्थानीय पुलिस को शुक्रवार को 82 यानी कुर्की की कार्रवाई के लिए आदेश मिल चुका था, जिसके तहत खोराबार पुलिस ने शनिवार को नोटिस चस्पा कर आरोपी पक्ष के खिलाफ ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी कराई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, thank you.
अभी कुछ दिन पूर्व थाना खोराबार में एक बल्ली चौराहे पर एक व्यक्ति को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, जिसमें 13 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसमें शूटर सहित समस्त 10 लोग तत्काल ही पकड़ लिए गए थे। बाद में कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया था। कुछ लोग जो अभी नहीं पकड़े गए थे उनके खिलाफ माननीय न्यायालय से व्यासी की कार्रवाई की गई है और उसकी आज बाकायदा एक विधिवत मुनादी कराई गई है। उसका प्रभाव भी हुआ कि उसमें एक अपराधी जवाहर यादव, जो ब्लॉक प्रमुख के पिता हैं, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया है। अन्य अपराधियों की भी मुनादी कराई गई है। अगर वो कुछ दिनों में नहीं पकड़े जाते या सरेंडर करते हैं तो उनकी कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।